से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। एक बार स्पोर्ट्स गाला 2022 के तहत अंडर 16 क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अबैदुल्ला पुरम नियाज़ी ने क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर सियालकोट सैयद वकार जवेद नकवी के मुताबिक इस मौके पर साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन सियालकोट नासिर भट, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इफ्तिखार गोंदर और पीसीबी कोच शाहिद यूसुफ भी इनके हमराह थे। 7 नवंबर से 9 नवंबर शाम 7 बजे 11 नवंबर तक इनवार क्लब में आल पाकिस्तान महफिल मुशाहरा, गवर्नमेंट इलामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज में वॉल पेंटिंग और इकबाल मंजिल पर शायर मशरक इलामा इकबाल के मुजस्मा रूनुमाई होगी। डीसी ने बताया कि इकबाल वे पर गुज़श्ता रोज गवर्नमेंट वे कॉलेज में रेसलिंग के मुकाबले हुए और दंगल में पहलवानों ने अपने मुखालिफ पहलवानों के खिलाफ अपनी महारत के गुर आजमाए। हॉकी मैचेस 7 और 8 नवंबर को शहनाज शेख हॉकी ग्राउंड कैंट, बॉक्सिंग बॉल मैचेस 7 नवंबर CTI हाई स्कूल, जबकि क्रिकेट मैचेस अनवर ख्वाजा क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल मैचेस 11 नवंबर को जिना इस्लामिया कॉलेज में और वॉलीबॉल मैचेस 8 से 11 नवंबर गौशाला वॉलीबॉल स्टेडियम में और कराटे के मुकाबले 9 नवंबर को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे। तमाम खेलों के फाइनल मुकाबले 8 से 12 नवंबर को होंगे, जबकि 9 नवंबर को इकबाल मंजिल में कमिश्नर गुजरामाला और RPO गुजरामाला के हमराह 11 बजे दिन अलामा इकबाल की सालगिरह का केक भी काटेंगे। रिपोर्ट।